दोस्तों, झूठी एफआईआर एक ऐसी समस्या है जिससे आम तौर पर लोग परेशान रहते हैं और समझ नहीं आता किस तरह से इसको डील करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो कैसे डील करें इस सिचुएशन को। दोस्तों, उद्देश्य क्लियर है उस व्यक्ति का, वो क्षति पहुँचाना चाहता है आपको, आपकी संपत्ति का नुकसान चाहता है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहता है, आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है और आपकी प्रसिद्धि को भी बिगाड़ना चाहता है। वो ये सारी चीज़ें ही करना चाहता है। उसका इंटेंशन तो यही है ना कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, लोगों को पता चले भाई फला व्यक्ति पे केस चल रहा है, फीस भी देना पड़ेगी, वकील को खर्चा भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है इसके अंदर। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको पहले सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आपने कोई अपराध नहीं किया तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर। आपको अगर पुलिस बुलाती है, अगर मामला गंभीर नहीं है, गंभीर से मतलब ऐसा मामला नहीं है जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है आपको, अगर ऐसा मामला नहीं है तब तो जैसे ही कोई कंप्लेंट उस व्यक्ति ने दर्ज कराया आपके खिलाफ, झूठी एफआईआर जो दर्ज करा रहा है आपके खिलाफ, तो तुरंत आपको या तो पुलिस आएगी घर पे, या आपको सूचना मिलेगी पुलिस के माध्यम से, या पुलिस आपको बुलाएगी। तीनों ही सिचुएशन के अंदर आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के पास जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ आपको आपकी बात रखनी है कि सर मैंने क्या किया है, जो कंप्लेंट उसने लगाई है, जो भी उसने आरोप मेरे पे लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। अब उसने एक टाइम ऐसा लिखा होगा उसके अंदर जिस टाइम पे घटना करना बता रहा है, वो तारीख लिखी होगी और वजह लिखी होगी। पुलिस को आपको यही बताना है वहाँ पर जाकर के कि भाई उस समय कहाँ थे आप, आपको डिफाइन कर देना पुलिस को। जाहिर सी बात हो, आप कहीं ना कहीं तो होंगे और वहाँ पे विटनेसेस भी होंगे, नहीं थे घर पे थे तो घर का बताएंगे, आप मोबाइल को ट्रेस करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज क्यों कराई है, जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा रहा है इसका मतलब ये है कि वह आपसे रंजिश रखता है। तो रंजिश की वजह क्या है, तो पुलिस वाले को आप वजह ही बताएंगे कि साहब इस वजह से इसने मेरे पे झूठा मामला दर्ज करा रहा है, तो ये मामला बिल्कुल गलत है और झूठा है। और अदर एविडेंस और कोई प्रूफ आपके पास है तो पुलिस को रख दें। पुलिस को कन्विंस करना है अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है तो। पहली सिचुएशन, अगर 7 साल से अधिक सजा का मामला नहीं है तो पुलिस आपको गिरफ्तार तो करेगी नहीं। अब मामला 7 साल से अधिक सजा का है, ऐसे मामले के अंदर आप खुद तो नहीं जा सकते अपनी बात रखने के लिए, लेकिन किसी इंटरमीडिएटर को भेज सकते हैं। आपकी बात को रखना ज़रूरी है पुलिस के सामने। अगर आप पुलिस से भागते हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को प्रथम दृश्य ये चीज़ नज़र आएगी कि यार सामने वाला बंदा भाग रहा है, इसका मतलब उसने कुछ तो किया है। जब आपने कुछ नहीं किया तो भागने की जरूरत नहीं, अपनी बात रखवाना है अपन को इंटरमीडिएटर के माध्यम से। इंटरमीडिएटर ज़रूरी नहीं है कोई आपका घर का मेंबर हो, कोई दोस्त भी हो सकता है पास का, कोई वकील हो सकता है, किसी के वो भेज करके आप अपनी बात तो रखवा सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति क्यों झूठी एफआईआर दर्ज करा रहा है, जिस टाइम की घटना बता रहा है ये, उस टाइम तो मैं फला व्यक्ति के साथ था या मैं उस जगह पर मौजूद था, मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ है, वो चीज़ें आपको बतानी है। अगर आपने पुलिस को कन्विंस कर दिया तो पुलिस के पास ये पावर भी है कि 182 आईपीसी में उस व्यक्ति के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकती है। 182 आईपीसी, जब उसको पता है जो व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज करा रहा है, इसका मतलब ये है 182 का कि उस ये जानते हुए कि कंप्लेंट झूठी है फिर भी पुलिस को गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दे के कार्रवाई करवाना चाह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है खुद ही। 182 आईपीसी में 6 माह की सजा का प्रोविज़न है, या फिर जुर्माना कोर्ट करके छोड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को, या सजा या जुर्माना कर सकता है। लेकिन जो मैंने मामला बताया आपको कि 211 आईपीसी के तहत भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है, और 211 आईपीसी के अंतर्गत 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था, आपको क्षति पहुंचाना, इसलिए आपके ऊपर उसने झूठा आरोप लगाया है, चाहे वो मन की क्षति हो या संपत्ति की क्षति हो या शरीर की क्षति हो, किसी भी प्रकार की क्षति, प्रसिद्धि ख्याति की क्षति हो। तो कुल मिला के 211 आईपीसी की कार्रवाई और 182 की कार्रवाई पुलिस कर सकती है। अब 211 आईपीसी के अंदर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है, या फिर कोर्ट चाहे तो सजा या जुर्माना दोनों कर सकती है। लेकिन आपके ऊपर अगर उस व्यक्ति ने ऐसा आरोप लगाया था जो कि गंभीर है, जिसमें आपको 7 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती थी, या आजीवन कारावास हो सकता था, या मृत्यु की सजा हो सकती थी, अगर ऐसा आरोप आप पे लगाया था तो फिर जो व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज करा रहा है ना, उसके खिलाफ भी कोर्ट में विचारण इसी मामले के तहत चलेगा कि उसको 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, उस झूठे व्यक्ति को जिसने कंप्लेंट झूठी आपके ऊपर दर्ज कराने का प्रयास किया था। तो क्या करना है आपको, पुलिस को अपनी बात रखनी है,
पुलिस को आपकी तरफ से जो आपको एविडेंस है वो देने हैं और साबित करना है कि ये गलत और झूठी एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास है। अगर आपने साबित कर दिया तो 182 आईपीसी की कार्रवाई और 211 आईपीसी की कार्रवाई पुलिस उसके व्यक्ति के खिलाफ कर सकती है। और आप निवेदन कर सकते हैं कि सर इस व्यक्ति के खिलाफ कोई इस झूठी एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है, कोई तो कार्रवाई करो, इसको सबक कैसे मिलेगा। तो ये एक तो हुआ मोटी मोटी बात। लेकिन मान लो कि मामला झूठा दर्ज हो चुका है आपके ऊपर और पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आमद आए, तो फिर आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं एसपी को जाकर के कि श्रीमान मेरे विरुद्ध, या आपके परिवार के मेंबर के माध्यम से दिलवा सकते हैं कि भाई मेरे परिवार के सदस्य के विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसकी निष्पक्षता से जाँच कराई जाए, ये गलत झूठी है, जबकि घटना बता रहे हैं ये उस वजह उस समय मेरा घर का मेंबर जो है व्यक्ति वह फला जगह पे था और ये व्यक्ति ने झूठी एफआईआर इसलिए दर्ज कराई है, वही रीजंस देने हैं अपन को। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सकते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के आप स्टे ले लेंगे आपके अरेस्ट के ऊपर और उसके बाद पुलिस के बाद जाकर के अपनी बात दोबारा से रख सकते हैं कि भाई फला व्यक्ति मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराना इसलिए चाह रहा है। 482 में जाकर के जो मामला जो अरेस्ट वारंट है उसको स्टे मिल जाएगा आपको और फिर पुलिस से मिलकर के अपनी बात रख दें। ये तीनों चार तरीके हैं जो सिंपल वे के अंदर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर कोई नया व्यूअर देख रहा है तो चैनल को। ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे और आपके काम होते रहेंगे हल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।